सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम ऋषिकेश पहुंच गए थे रात को। तो रात को सोने के बाद में भाई साहब सुबह के बज चुके हैं 11 और हम सोकर के रेडी हो चुके हैं। अब मतलब सोकर उठे थे हम लगभग 9:30 बजे और हम रेडी होते होते 11 बज चुके हैं। सब रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, और ये हमारा टेंट है जहाँ पर हम रुके हैं। तू रेडी नहीं है? तू तो नहाने जा रहा है ना? ये भाई साहब ये नहाना चाहता है झरने के अंदर आज। और ये देखो बाहर क्या तैयारी चल रही है हमारी। क्या बना रहे हो सुबह सुबह? ये देखो भाई साहब, टमाटर, प्याज, कुरकुरे चाट, वाह। और ये देखो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, किस जगह पे रुके हैं। वाह भाई साहब, देख लो क्या फील है पहाड़ों के बीच। What a feeling, भाई। देख लो इतना बड़ा मतलब ये एरिया है। और आगे पूल भी है, पूल भी दिखाऊं आपको? देखो so, ये वाला सीन है यहाँ का। और वो देखो, वो खड़ी अपनी गाड़ी वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस। सो ये है मतलब, अगर आप आ रहे हो इस जगह पर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, इसका पर्टिकुलर एक वीडियो भी आ गया है चैनल के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख करके एक आइडिया लगा सकते हो। मैंने मतलब उसमें पूरा गाइड किया आपको कि कहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए और क्या आपका बजट रहने वाला है। वो सारा वीडियो जो है आप देखो, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ये हमारा सबसे शरीफ लड़का है जिसको रात को पानी की बॉटल लाने को बोला था मैंने, लेकिन ये लेकर नहीं आया। देखिए नहाना है क्या? देखो गाइस, यहाँ भी हमें बिल्ली मिल गई है। ये देखो बिल्ली मिल गई है। पूल पे पहुंच चुके हैं और इसका मन था इस पूल में कूदने का। ला दे दे फोन। एक डुबकी लगा दे। तो ये देखो सुबह सुबह इसने बनाया है कुरकुरे चाट, इसने बनाई है मैगी, बट मैं दोनों में से कुछ भी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि अपनी हालत है थोड़ी सी खराब। क्योंकि कल हमने जो आपने देखा था ना, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाई थी एक्सपायर, और उस वजह से पेट की हालत हो रही है एकदम खराब। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर जाके कभी भी ये जो तली तली चीज़ें हैं, पकौड़ी, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज, ये कभी मत लेना क्योंकि इससे आपकी हालत ख़राब हो सकती है। क्योंकि हालत ख़राब है। सो गाइस, हम हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि थ्रिल फैक्ट्री है। यहाँ से यहाँ पर मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऋषिकेश में है, देख सकते हो आप। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है, तो हम जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो पूरी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, इसे बोलते हैं जाइंट स्विंग। तो आपको चलकर दिखाएंगे यहाँ पर ऊपर कैसे होता है जाइंट स्विंग में, करते क्या है, धमाल धमाल का। और जो वो वाला टावर देख रहे हो ना आप, वो बंजी जंपिंग का है। हमें आज तो नहीं मिली, कोई जाने वाला ज़रूर है उसमें, हमें ये दिखाई दे रहा है वहाँ से, कोई जंप ज़रूर करेगा इस टाइम पर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उनका पैसा गया कहीं नहीं गया, देखिए ये कूद गया। देखो भाई साहब इस तरीके से होती है बंजी, ये देखो बंजी जंपिंग। और हम जा रहे हैं यहाँ पर, यार सच में यार पागल। Whoa!
ये कौन से डांस स्टेप कर रही है? स्केट्स पहन करके। सो गाइस ये देखो, ये रहा बंजी जंपिंग टावर और ये दोनों जा रहे हैं। मेरी फिटनेस अभी मुझे जवाब नहीं दे रही है कि मैं ऊपर बंजी जंपिंग में जाऊँ। ये दोनों निकल पड़े, ये दोनों करना नहीं चाहते, इन दोनों को हाइट से डर लगता है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ चाहते हुए भी। ये मना ना करते मुझे तो यही डर लग रहा है। नहीं कूद पा रहा। सो गाइस हमने यहाँ पर पूरा एडवेंचर पूरा कर लिया है। हालांकि ये देखिए, मैं चाहता था एक बंजी जंपिंग का शानदार शॉट दिखाऊं, बट वो हो नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, कोशिश करी हुई बहुत अच्छी बात थी। सो अभी चलते हैं, वो देखिए साइकिलिंग भी होती है यहाँ पर इस तरह से। हैरी पॉटर मूवी में आपने कार को उड़ते हुए देखा होगा, यहाँ आप साइकिल उड़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी के ऊपर बोट है जो कि मैं आपको परछाई में दिखा सकता हूँ। चलो चले। गाइस फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहीं से होने वाली है रिवर राफ्टिंग को। देखो बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं करने के लिए तैयार। सो हम भी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए क्या रहने वाला है, क्या सीन रहेगा, कैसे करनी है, क्या क्या होता है, वो सब आपको दिखाएंगे प्रोसीजर। देखो और हम लोग रेडी हो गए, देख सकते हो हमारे साथ में ये सब कुछ लेकर के नीचे जाने के लिए फुल रेडी है। कैसा है तुम लोगों का एक्साइटमेंट? अभी तो है उसका डर बंजी जंपिंग का। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए। इस टाइम पे आप पीछे देख सकते हो गंगा रिवर फ्लो, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हमने सडन प्लान करा, रास्ते में ही काफ़ी राफ्टिंग वाले मिल गए थे, हमने उनसे बात करी। मैं आपको यही कहूँगा कि है ना थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेना, 500 रुपीज़ हमारे एक पर्सन का लगा है। आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो कर सकते हो इन्जॉय। हमें देखो पूरी लाइफ जैकेट वगैरह सब मतलब फुल सेफ्टी से लेकर के जाते हैं। और जो हमने पैच लिया हुआ है 12 किलोमीटर्स तक 5500 की है। ये फैमिली वाला रहता है, मतलब आपके पास में फैमिली है या 16 साल तक के बच्चे भी हैं तो आप लोग आ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आज हमने आपको पूरा ऋषिकेश घुमाया। एक दिन में जितना घुमा सकते थे उतना घुमा दिया। देखा आप लोगों ने, हम सबसे पहले कैंप में पहुंचे। कैंप में पहुंचने के बाद में हमने सीधे जाकर के एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। उसके बाद में हमने सीधे ऋषिकेश में चलने दे। उसके बाद हमने ऋषिकेश में जाकर के रिवर राफ्टिंग करी, गंगा नदी में डुबकी लगाई और उसके बाद में सीधे पहुंचे गंगा घाट पे और लोकल मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। बाकी इससे ज्यादा देखिए नहीं हो सकता था। इन सब चीजों को करते करते भी हम लेट हो गए और हमने सबसे बड़ी चीज मिस कर दी जो कि यहाँ की आरती। तो गाइस आप लोग आ रहे हो एक दिन के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप जहाँ भी स्टे करते हो वहाँ से अगर सुबह 10 से 11 बजे अगर आप निकल जाते हो तो आप सारी एक्टिविटीज बड़े टेंशन फ्री होकर के कर सकते हो और आपको आरती का भी मौका मिल जाएगा। वीकेंड पे अगर आप आ रहे हो और आपकी रेंज है अप्रॉक्स आप 450 to 500 किलोमीटर से आ रहे हो तो आप अपने वीकेंड्स को काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो ऋषिकेश के अंदर। तो यही आज के लिए मेरी सलाह है। और आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो सारे गीले हो जाएंगे चाहे आप पानी में कूदें या नहीं कूदें, ये वाली चीज़ रहने वाली है। पिछले 50 मिनट से ये इधर वो उधर बस यही काम चल रहा है इनका। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनको यहाँ से लेकर कैसे जाएं वापस। चलो 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 मैं भी चल रही हूँ। उठना तेरे को भूख के लिए तो तू हराल में उठेगी, खाना दिखा दो बस, उठने को तैयार है तो। गाइस 8000 पे गए सर, वो तो 30000 दे रहे। अरे वाह यार बहुत बढ़िया बोला। हो रहा है कि यार 6000 में तो मैं क्या कर लेता लेकिन।